Good morning everyone. Today we will talk about Manji Pargana Administrative System. Manji Pargana Administrative System is the administrative system of Santhal tribe. Santhal tribe is the largest tribe of Jharkhand. And third largest in India. इंडिया में फर्स्ट गोंड ट्राइब है, सेकंड भील एंड थर्ड इज संथाल. क्लियर? मेन रेसिडेंस जो संथाल ट्राइब का है दैट इज संथाल परगना. संथाल परगना का नाम संथाल जनजाति के नाम पे ही पड़ा है. क्लियर? नाउ झारखंड में आने से पहले ऐसा कहा माना जाता है कि झारखंड में आने से पहले ये बहुत समय तक ये पश्चिम बंगाल में रहते थे, जहाँ इन्हें सावतार कहा जाता था. सावतार हिंदी में लिखे तो आगे देखते हैं. ये मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ संथाल वॉज टेकन फ्रॉम सौरिया पहाड़िया. Taken from Sorya Pahadiya. Clear? ये जो traditional governance system है among Santhal recognizes the village as the smallest unit or we can say first tier of the structure. तो हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे पहले देखते हैं मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, दैट इज विलेज. और पंचायत ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है. नौ ये पंचायत लेवल पर इस विलेज ग्राम स्तर पर कौन कौन से पोस्ट होते हैं वो हम लोग देखते हैं. फर्स्ट देखते हैं मांझी. मांझी हेडमैन ऑफ द विलेज. क्लियर? He looks after judicial and administrative and judicial work. Clear? Performed by Manji.
कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम देयर ओन कम्युनिटी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पोस्ट इज प्रमाणिक। प्रमाणिक की बात करें तो ये असिस्टेंट ऑफ मांझी होते हैं, क्लियर, या फिर हम लोग असिस्टेंट ऑफ मांझी या एसोसिएट ऑफ मांझी। प्रमाणिक का काम होता है जब ही, मतलब ये चीफ जुडिशियल अथॉरिटी है प्रमाणिक। क्लियर? जब इन इवेंट्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ही गिव्स फाइनल वर्डिक्ट। ही डज ऑल द वर्क इन द एब्सेंस ऑफ मांझी। मांझी के ये सभी काम करते हैं मांझी के एब्सेंस में। ही डज इन हिज एब्सेंस। क्लियर? अगर इफ द मांझी रिजाइंस और डाइज एंड इफ ही डज नॉट हैव एनी सक्सेसर, मांझी का कोई अगर उत्तराधिकार नहीं है, देन द प्रमाणिक गेट्स द पोस्ट ऑफ मांझी। क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट जो पोस्ट है, जोग मांझी। ये भी मांझी का असिस्टेंट है। क्लियर? जोग मांझी। ये एक्ट्स एज द कस्टोज मोरम टू द यंग पीपल ऑफ द विलेज। कस्टोज मोरम का मतलब होता है जो यूथ्स के मोरल्स की देखभाल करते हैं, इनफैक्ट वी कैन से गार्जियन ऑफ मोरल्स। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। जोग मांझी में आगे देखते हैं। जोग मांझी प्राइमरली regulates the adult behavior of youngsters. Clear? ये looking after the marriage affairs ये जोग मांझी का काम हो गया। क्लियर? मीन्स हम लोग कह सकते हैं ही लीड्स द यूथ्स ऑफ द विलेज। हिज ड्यूटी इज टू लुक आफ्टर द मोरल साइड्स ऑफ द यूथ्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हो गया जोग प्रमाणिक। ये तो मांझी प्रमाणिक, जोग मांझी, मांझी हेडमैन ऑफ द विलेज और उनका असिस्टेंट प्रमाणिक एंड
जोग मांझी, क्लियर। टू अदर ऑफिशियल्स जोग प्रमाणिक एंड गोडाइट आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट लिंक इन द सिस्टम। तो जोग प्रमाणिक, नेक्स्ट इज जोग प्रमाणिक। जोग प्रमाणिक ये असिस्ट द प्रमाणिक, प्रमाणिक को असिस्ट करता है। नेक्स्ट ऑफिशियल्स ए गुड़ाइत, ये मैसेंजर संदेश वाहक होते हैं मांझी के, क्लियर। नेक्स्ट इज नाइके, क्लियर। नाइके ये रिलीजियस हेड होते हैं, धार्मिक अपराधों में नाइके ही फैसला करता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रिंसिपल विलेज प्रिस्ट होते हैं, एक लाइन में रिलीजियस हेड। क्लियर। नेक्स्ट इज कुदुम नाइके, असिस्टेंट ऑफ नाइके होता है ये। नाइके प्रिंसिपल विलेज प्रिस्ट हो गए और ये फील्ड प्रिस्ट हो गए, क्लियर। नेक्स्ट इज भगदो प्रजा, भगदो प्रजा होते हैं गांव के, हम लोग कह सकते हैं विलेज एल्डर्स, जो कि पंचायत की मीटिंग में बैठते हैं, क्लियर। ये गांव के कुछ इम्पोर्टेंट लोग होते हैं जो कि पंचायत की बैठकों में बैठते हैं और अपनी सलाह राय देते हैं किसी भी डिसीजन में। हु गिव्स हिज ओपिनियंस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट दैट मे अराइज अमंग द विलेज, क्लियर। या फिर हम लोग कह सकते हैं जुडिशियल फंक्शन में ये जो विलेज एल्डर्स होते हैं ये फंक्शन एज द जूरी ऑफ द विलेज कोर्ट। ना और टर्म हम लोग अभी देखेंगे। इन सम विलेजेस वन मोर ऑफिशियल कॉल्ड लासेर साल और लासेर टंगोई इज ऑल्सो फाउंड। आई थिंक इट्स नाइन्थ, लासेर साल और लासेर टंगोई, क्लियर। इनका काम होता है ये नॉर्मल, ही नॉर्मली एक्ट्स एज पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स ऑफ द कम्युनिटी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स ऑफ द कम्युनिटी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो होता है देश।
देश की बात करें तो देश इज मेड अप ऑफ 5 to 8 villages, 5 से 8 गांवों को मिलाकर हम लोग कहते हैं संथाल्स देश का निर्माण करते हैं. फॉर्म्ड ऑफ 5 to 8 villages. हेड जो देश के हेड होते हैं देश मांझी. देश मांझी को मोड़े मांझी भी कहते हैं. क्लियर. हम लोग लिख सकते हैं हेड ऑफ 5 to 8 villages. देश मांझी या मुड़े मांझी जो होते हैं 5 से 8 गांव के प्रधान होते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज परगना, जिसे पीर के भी कहते हैं. पीर या परगना. परगना की बात करें तो ये इंटर विलेज काउंसिल है और ये परगना इज मेड अप ऑफ 15 to 20 villages. क्लियर. नाउ हेड ऑफ परगना, परगना के हेड को परगनेत कहते हैं. परगनेत जो है ही सेलेक्टेड बाय सेवरल, बहुत सारे विलेज हेड्स मीन्स मांझी के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है. क्लियर. ईच मांझी ऑफ द विलेज इज प्रेजेंट इन द सेशन ऑफ परगना. क्लियर. देश मांझी की बात करें तो ये परगनेत के असिस्टेंट भी हो कह सकते हैं इसको, असिस्टेंट ऑफ परगनेत, इनके असिस्टेंट. परगनेत के असिस्टेंट होते हैं. क्लियर. ही कीप्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द परगना. नाउ नेक्स्ट इज तिशुम परगना. नेक्स्ट इज ये कुछ परगना को मिलकर दिशुम परगना का निर्माण होता है. अबाउट 5 to 10 परगना टुगेदर कंस्टिट्यूट अ दिशुम. दिशुम परगना का जो हेड होता है उसे दिशुम परगनेत कहते हैं. क्लियर. नाउ नेक्स्ट स्टेज लोबीर.
या फिर इसको शिकार परिषद भी कहते हैं। लोबीर या फिर शिकार परिषद। क्लियर। लोबीर की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरह है। इट इज़ द सुप्रीम कोर्ट और द हाईएस्ट लॉ कोर्ट ऑफ द संथाल। क्लियर। आगे देखते हैं। इनके जो डेहरी होते हैं इज द कंडक्टर एंड जज ऑफ दिस सेशन। क्लियर। डेहरी इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ। देयर इज द कंडक्टर और यही जज होते हैं। सेशन। क्लियर। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कुछ पांच स्टेज होता है, बट ये देश कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देश एक टियर नहीं कह सकते हम लोग। मेनली तीन होता है। फर्स्ट इज पंचायत, सेकेंड इज परगना एंड थर्ड इज लोबीर। क्लियर। लोबीर से एक हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। एक बिटलाहा, बिटलाहा टर्म देखते हैं हम लोग यहाँ। यहाँ ये पनिशमेंट होता है बिटलाहा। बिटलाहा टर्म है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट पनिशमेंट एग्जीक्यूटेड बाय द काउंसिल। ये लोबीर से। क्लियर। ये होता है सामाजिक बहिष्कार। बिटलहा जो कि पनिशमेंट है। क्लियर। नौ तो हम लोग देखे विलेज के हेड होते हैं मांझी। देश के हेड होते हैं देश मांझी, जिसे मोढ़े मांझी भी कहते हैं। परगना का परगनेत, दिशुम परगना का दिशुम परगनेत। लोबीर के डेहरी कंडक्टर होते हैं और जज होते हैं। क्लियर। तो ये कुछ मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया। क्लियर। एक और पोस्ट होता है विलेज पंचायत स्टेज पे, दैट इज हरकारा। ये याद रख सकते हैं नोट करके, हरकारा। क्लियर। दिस इज़ ऑल अबाउट मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। थैंक यू।